So on the board, three examples are written for symbiosis. First one is lichen. Lichen is a combination of fungus and alga. Fungus or alga ke combination ko lichen kehte hain. So how they are helping each other? Alga is green in color, जिसको आप काई कहते हैं, बारिश के मौसम में लग जाती है green color की. So क्योंकि alga green color की होती है, due to the presence of chlorophyll, it will prepare food, ये खाना बनाती है. फंगस इन रिटर्न इसको क्या देता है, रहने की जगह, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स. सो हेयर दे बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर. फंगस जो है रहने की जगह पानी और मिनरल्स देता है, इसके बदले में एल्गा उसको खाना देता है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सेकेंड वन इज प्लांट एंड फंगस. प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स और फंगस प्रोवाइड करता है वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर. लास्ट वन इज लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, मटर का पौधा, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया. राइजोबियम बैक्टीरिया इज पिंक इन कलर, वेरी वीक, लाइट सेंसिटिव. जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है ये मर जाता है. सो टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ इट इज स्टेइंग इन सॉइल. इसे सॉइल के अंदर ही रहना पड़ता है, अदरवाइज ये मर जाएगा. तो ये प्लांट्स की रूट में रहता है और वहाँ रूट में एक कॉलोनी बनाता है, एक गांठ बनाता है जिसमें सर्वाइव करता है. सो व्हाट दे आर एक्सचेंजिंग, राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना और उसे सॉइल में डालना, और लेग्यूमिनस प्लांट का काम है इसको खाना देना और पानी देना. सो लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड. इन रिटर्न राइजोबियम बैक्टीरिया विल प्रोवाइड नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. So where this are all heterotrophic mode of nutrition's are complete. Now next come to our last topic of the chapter, that is replenishing soil. Replenishing soil means re means again, plenishing means filling, refilling. Soil ko dubara se nutrients and minerals se bhar dena. So why this refilling is required? If you are at school, once your bottle is finished, you have to refill. कि पानी की बोतल खाली हो जाती है, आप उसे रीफिल करने जाते हैं. सो सो डू विद सॉइल. इफ़ एनी ऑफ द प्लांट इज ग्रोइंग, दे आर टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड वंस दे आर टेकिंग मिनरल्स, ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ मिनरल्स विल डिक्रीज इन सॉइल. सो वी हैव टू रीफिल इट, उसको रीफिल करना ही पड़ेगा. फॉर दैट फार्मर्स दे आर यूजिंग टू आर्टिफिशियल मेथड्स, और यू कैन से मैनमेड मेथड्स, एंड थर्ड वन इज leguminous plants that I have explained. This is also a very good way to replenish soil. आप एक crop लगाने के बाद, suppose you have grown wheat. Once you are done with your wheat, start growing pea plant. So when you grow pea plant, rhizobium bacteria absorb nitrogen from atmosphere and fix it into soil. Soil के अंदर उस nitrogen को भर देगा, जिससे कि वो soil जो है रीफिल हो जाएगी, एंड दैट विल बिकम वेरी गुड. इफ यू आर नॉट विलिंग टू सो एनी पी प्लांट, अगर आप पी प्लांट्स नहीं उगाना चाहते हैं, सो वॉट यू विल डू, यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द मेथड आउट ऑफ टू, दैट इज मैन्योर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सो मैन्योर एज यू कैन से इट इज खाद, जो नॉर्मल खाद हम यूज करते हैं घरों में, दैट इज manure, and fertilizers are the chemical substances. So let's understand this with difference, with a table of difference. So manures are made up of natural products. Natural products can be paper, wood, dead plants and animals, peels means chilke, fruit peels, vegetable peels. So manures are made up of natural products, but fertilizers are made up of chemicals. Manures are harmless for environment. Environment को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, but fertilizers are harmful for environment. Manures are cheap, सस्ते मिल जाते हैं, whereas fertilizers are expensive. Fertilizers काफ़ी expensive होते हैं. Then manures slow in action. Manures good होते हैं पर वो काफ़ी slow काम करते हैं, but fertilizers are fast in action. आपने जैसे ही डाला, within few hours it will dissolve with water, पानी के साथ घुल जाएंगे और soil के अंदर चले जाएंगे. Manures
डू नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन, मैन्योर डालने से कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है, बट फर्टिलाइजर डालने से पोल्यूशन होता है, दैट इज सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. फाइन, बट आई थिंक द बेस्ट मेथड टिल नाउ इज सोइंग पी प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स को जब ग्रो किया जाता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली एंड इन अ वेरी गुड अमाउंट, गुड क्वांटिटी नाइट्रोजन अपने आप फिक्स हो जाता है सॉइल में. सो दिस वन इज द गुड मेथड. सो लेट्स रिकैप व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड टुडे. वी हैव स्टडीड टुडे अबाउट इंसेक्टिवोर्स, सेप्रोफाइट्स, फंगस, सिम्बायोसिस एंड रीप्लेनिशिंग सॉइल. So please repeat all the things, go through chapter once again. If you have any query, please let me know. Stay home, stay healthy, stay safe. Bye.